हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एस के हब। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाला हूँ एक डेनिम शर्ट का रिव्यू जो मैंने अमेजोन से परचेस करी है। तो चलिए मैं बताऊँगा आपको इसकी फुल डिटेल, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये शर्ट मैंने अमेजोन से परचेस की है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये शर्ट कैसी है दिखने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शर्ट कुछ ऐसी है एंड जो इसके बटन हैं वो इस तरीके से मेटल के दिए हुए हैं, जो इजीली आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, स्पेशली मैंने ये शर्ट इन बटन्स की वजह से परचेस की है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में मैंने ये शर्ट ख़रीदी है उस प्राइस रेंज में ऐसे बटन इन शर्टों में नहीं मिल पाते हैं। एंड ये बटन जो होते हैं काफ़ी स्टाइलिश लुक देते हैं एंड आपको एक प्रीमियम लुक फील कराते हैं। दोस्तों, ये शर्ट मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई है एंड जो इसका क्लोथ मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा लुक देगा। तो दोस्तों, ये एक स्लिम फिट शर्ट है एंड जो इसका कलर है वो मीडियम ब्लू कलर है। इसके साथ ही आपको 3 से 4 कलर और मिल जाएंगे इस शर्ट के। और फ्रेंड्स, ये जो ब्रांड है वो अमेजोन का खुद का ब्रांड है जिसका नाम है इनकास्ट। तो आप अगर इस शर्ट में इंटरेस्टेड हो तो एक बार ज़रूर परचेज करके देखिएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे ये शर्ट बहुत ही पसंद आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपके इसके प्राइस पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो इसके टैग पे जो ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है वो है फ्रेंड्स 1999, लेकिन अमेजोन से ये आपको 559 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें दोनों साइड में पॉकेट दी हुई हैं जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं। और फ्रेंड, जो इसकी स्लिप है उसमें भी इस तरीके से 2 बटन यहाँ दिए हुए हैं और 1 बटन यहाँ पर दिया है, और इसके अंदर साइड में इस तरीके से ये इन लोगों ने एक कपड़ा लगा रखा है। तो ये काफ़ी अच्छा, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से बनाया है इस शर्ट को, और जो इसकी स्टिचिंग है वो भी काफ़ी अच्छी की गई है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये शर्ट बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स, इस शर्ट में साइज़ को लेके एक इशू है जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको इसका पहन के दिखाता हूँ ये शर्ट, और फिर मैं बताऊंगा कि इसका साइज का क्या इशू है एंड आपको कौन सा साइज ऑर्डर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, शर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, जो साइज से रिलेटेड इशू था वो ये है कि पहले मैंने शर्ट का एल साइज ऑर्डर किया था, तो फ्रेंड्स ये मेरे को काफ़ी दूर आ रही थी, जबकि जो मेरा साइज़ है वो एल है। तो बाद में मैंने इसका एम साइज ऑर्डर किया, तब ये मेरे सही फिट आई है। तो आप जब भी इसे ऑर्डर करें तो एक साइज छोटा ही ऑर्डर करिएगा, तभी आपको एकदम परफेक्ट लुक देगी। तो फ्रेंड्स, ये इशू मैंने आपसे इसलिए डिस्कस किया ताकि आप गलत साइज ऑर्डर ना करें और बाद में मेरे को ना कहें कि आपने फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे मेरी फिर एक नई वीडियो में, तब तक लें, बाय फ्रेंड्स।